ये क्या बना रहे हो भाई जी आप? हाँ जी, ये क्या बना रहे हो आप? ये है केसर। ओके इस... हाँ जी, ये कश्मीर का केसर है जी, स्पेशल ये खिलाड़ियों के लिए, जो ताकत के लिए मेडिसिन बनाई जाती है ना नेचुरल, जी उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा। जैसे भस्म वगैरह डालते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पीस के पाउडर बना के उसमें अच्छे से मिलाया ओके जा सकता है, इसलिए इसकी पिसाई कर रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या चीज में हेल्प करता है भाई जी खिलाड़ियों ये को? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है जी। अच्छा हाँ, और ये ताकतवर होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है हमारे लिए। और ओके ये केसर हमारा मार्केट में तो आजकल बहुत नकली केसर बिक रहा है, सिर्फ अच्छा अच्छा कलर कलर करके बेच रहे हैं उसको। जी जी हाँ जी, तो वो हमें तो इसको कैसे पहचान सकते हैं, कि देख के कैसे हम पहचाने कि ये कौन से असली है कौन से नकली है? पहचान तो इसकी ऐसे है जी, इसकी पत्ती होनी चाहिए बिल्कुल, आजकल धागे वगैरह आ रहे हैं मार्केट में जी कलर हो गए, ऐसी ओके पत्ती होंगी इसकी, असली की पहचान है। और इसका सुगंध होती है इसके अंदर एक, और सुगंध कैसे होती है भाई जी, बता दीजिए इसके बारे में भी एक थोड़ा। अलग सी सुगंध होती है इसकी, जो वैसा होगा ओरिजिनल केसर नहीं होगा, उसके अंदर सुगंध नहीं आएगी। अच्छा, बिल्कुल भी सुगंध हाँ, नहीं मिलेगी उसके। बिल्कुल भी अच्छा सुगंध नहीं होगी उसकी, इसकी एक अलग सी सुगंध होती है, जैसे गुलाब के फूल में होती है ऐसे ही केसर की सुगंध होती है अलग। अच्छा तो एक अच्छा बार आप को जब असली केसर मिलेगा उसको सूंघ के देखना, जी उसकी फिर उसकी स्मेल से आपको पता चल जाएगा। जी ओके भाई हाँ जी, जी और दूध में डालने से बाद इसका अड़का अड़का पीला कलर होगा दूध का, ज्यादा नहीं होगा। अच्छा अच्छा हाँ जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। ये केसर के बारे में आपने बहुत एकदम महत्वपूर्ण जानकारी दिया हमको, आपको बहुत बहुत जय जय धन्यवाद। भारत, द वैरायटी न्यूट्रिशन, एक कदम अच्छे स्वास्थ्य की ओर। जय धन्यवाद। हिंद।